जारी कर दिया जाएगा। जब तक आप आइएगा नहीं तब तक विश्वविद्यालय द्वारा आपको अनसुना कर दिया जाएगा। ऐसे ही आप घूमते रहिएगा। वही तो बोल रहे हैं सभी को, घूमते रहिएगा और कहते हैं आवाज उठाने के लिए, आंदोलन करने के लिए। लेकिन आंदोलन करने के लिए कब? जब आप लोग आइएगा तभी ना। हाँ, नहीं आइएगा तो कैसे होगा? सबकी समस्या सब आएगा लड़ने के लिए। समस्या सभी का है। अच्छा श्रवण जी, कितने बजे का टाइम दिए थे आप आने के लिए? कितने बजे का टाइम दिए थे यहाँ पे आने के लिए? लेटेस्ट 10:30 तक का टाइम दिए थे आने के लिए। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी तो टाइम आप लोगों का 12 बजने वाला। 12 बज रहा है। कितने लड़के यहाँ पे मिले आपको? अभी तक तो देख नहीं रहे हैं, आप सब जा रहे हैं। हाँ, तो वही है कि 25-30 होंगे। 25-30 होंगे। ऐसे में क्या लगता है आपको, ये सफल हो पाएगा? आपने जो आंदोलन शुरू किया, साथ नहीं देंगे तब तक कोई सब अंदर। चलिए आगे बढ़े। हम सब सर स्टूडेंट के आई तक कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। बच्चा आए थे लेना है। पहले समस्या सुनिए सर। ए भाई हटाओ इसको, अभी रखिए ना भाई, सर का काम हो रहा है यार, अजीब हाल है। कूल डाउन भाई। हेलो सर, पीजी सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के फॉर्म नहीं भरा है सर, सब्जेक्ट चेंज हो गए सर। अरे तो अभी किससे बात की है? क्या अभी किससे बात की है? अब आप ही ना बताइएगा सर। है इसका सब्जेक्ट चेंज हो गया, ये अभी हमने सारी चीज बंद कर दिया है। तो जब यूनिवर्सिटी ने बंद कर दिया है, यूनिवर्सिटी टाइम देगा कि नहीं? वो तो पता है सर, लेकिन कब लेगा ये रिजल्ट? कब लेगा ये सर? जल्दी कर दीजिए। एक मिनट, एक मिनट, सबसे पहली बात समझिए। अभी थोड़ा हम लोगों ने एस्पिरी लिया था, अभी सेशन नहीं खत्म हुआ है। सेशन से पहले ही हमने इसको लिया था कि सेशन पड़ा हुआ सर। और एक मिनट, और मैंने डाटा से समझौता हो जाएगा तब हम इस बात को बढ़ाएंगे कि भाई अब फलाने तारीख से तुम्हारा फॉर्म भरा रहा है। कब तक होगी? 1 साल 2 साल? नहीं, 8 को जिसका फैसला ना है, 8 को पटल पर में केस जा रहा है और विश्वविद्यालय को अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट ने 10 दिन का समय दिया। कोर्ट ने विश्वविद्यालय के वकील ने अपना पक्ष रख नहीं दिया। अब तो है कि माननीय न्यायालय से क्या आदेश आता है। माननीय न्यायालय के आदेश आने पर ही हेलो, अभी हम तो कुछ नहीं करते। हाथ आना सुनिए सर, सारा चीज डाटा सेंटर के ही पल्ले रखा हुआ है जी सर। तो ये आपका झगड़ा हम लोग पे पल्ले पड़ रहा है ना सर? आपका पर्सनल झगड़ा हम लोग पे भविष्य में पड़ रहा है ना सर? हम लोग 8 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 8 तारीख को जब हियरिंग होगा कोर्ट का स्टूडेंट के पक्ष में, हम लोग जो आत्मस्थ क्योंकि हम लोगों का वकील उसी तरीके से पक्ष रखेगा। अभी विद्यार्थी का रिजल्ट जो है वो करने का आदेश दे, और अगर कोर्ट से यह आदेश पारित होता है तो बट नेचुरल है कि उनको रिजल्ट देना होगा। सर ठीक है, समझ लिए। और विद्यालय पैसा पेमेंट कर, आप में बात हम लोग का सुनिए ना सर, आप तो सब समझ रहे सर।
अगर मान भी चलिए कोर्ट का फैसला आता है कि नहीं इसका डेट अब एक सप्ताह और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, कोर्ट का तो लफड़ा चलता है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख जानते ही है, ठीक है, अगर एक सप्ताह के बाद चला जाता तब आप लोग क्या कीजिएगा, एक सप्ताह फिर वेट करवा दीजिएगा। तब जो है आपस में भाई इस चीज के लिए आप लोग पहले क्यों नहीं बैठ जाते जी सर, यही तो क्या होगा, आपको कोई टेंशन ही नहीं है सर, आप लोग पर कोई प्रेशर ही नहीं है सर, सच बता रहा हूं, ठीक है, सही काम बाद में करते हैं, अभी नहीं, अभी निकल, अभी भी सर सच है, सुनेगा क्यों, इनको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आप अपना पक्ष रख दिए तो मेरा पक्ष सुनिएगा ना, बोलिए सबसे बड़ी बात है कि हम उनसे वार्ता कब करेंगे जब हम कोर्ट में फेलियर हो जाए, हम भी तो आठ का इंतजार ही न कर रहे हैं सर, उसके बाद आप बोलिए हम सात दिन बाद भी कोर्ट में फेलियर नहीं होंगे, सात दिन बाद निश्चित है, आपका डेटा सेंटर से क्या है क्या नहीं है, क्या मैटर है, डेटा सेंटर क्या गलती करता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है सर, हम लोग का काम आपका एक बीच में, आप तो स्टूडेंट के बारे में सोचे नहीं, अगर एक मिनट के लिए झगड़ा भी था आपका उससे, कोई गलती भी कर रहा था, तो आपको उस समय उस गलती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि आपके साथ प्रॉब्लम है, अब गलती सर, अब लाखों छात्र का भविष्य बर्बाद कर दीजिए, आप एक झटका में बोल दीजिए कि गलती हो गया, आप ही लोगों ने आकर के बोलते हैं कि मेरा सब्जेक्ट गलत हो गया, अरे हम तो आपसे नहीं बोल रहे सर, उन्हीं से बोल रहे हैं, बोले तो दीजिए पहले, सब्जेक्ट गलत हो गया, कोई बोलता है कि मेरा रोल नंबर गलत हो गया, कोई कहता है कि मेरे पिताजी का नाम गलत हो गया, अरे भाई एक मिनट, कोई कहता है मेरे माता जी के नाम पर मैं गाली आ रहा है, ये कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ बैठ करके, नहीं डाटा सेंटर का क्या, एक मिनट सुनिए ना, डाटा सेंटर को मैंने कहा कि भाई ये गलती क्यों हो रही है तुमसे, सर एक बात बोले सर, आप नहीं सर, आप मेरी बात सुनिए, हम भी सब चीज जानते हैं, नहीं सर आप सुनिए, आप एक पदाधिकारी का रोल निभा रहे हैं बस, आपके बस का बात है ही नहीं, सच्चाई जो हम बता रहे हैं, वो ऊपर वाला आपसे लड़ता है, उसको विवाद होता है, तो आप उसका पक्ष लेकर आप सच्चाई, आप अपना रोल निभाइए ना सर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर है आप क्यों नहीं, कुल सचिव का चलेगा, विश्वविद्यालय उनका है, कुलपति का चलेगा, आप लोग अब एक्शन नहीं लेते हैं सर, आप लोग बर्बाद कर दिए हैं, क्यों नहीं लेंगे सर, क्यों नहीं लेंगे, आप बोलिए सर, आप देखिए पूरे यूनिवर्सिटी में, पूरी यूनिवर्सिटी में सर हम जानते हैं एक आप ही है, आप ही लोग विश्वविद्यालय में सबसे समय से है, कुलपति है, कुल सचिव को आपके इतना नॉलेज किसी को नहीं होगा, ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन सर आप लोग आदेश में बंधे हुए हैं, आप लोग हम दे रहे हैं अभी ये ले लीजिए करेंगे, वेट कीजिए ना, सबका हो जाएगा, यही दिक्कत होता है यहाँ, शांति से नहीं, अरे हम तो आप ही का बात है, किसी यूपीएससी कब तक डेट है, भैया जो सब होगा मतलब आप लोग सब अपना अपना प्रॉब्लम दे दीजिएगा तो सारा का ना बात हो रहा है, एक का तो बात नहीं हो रहा है, पीजी का भी हो रहा है, यूजी का भी हो रहा है, एक चीज का हो रहा है, सोल्यूशन निकलेगा तो सब का निकलेगा, बढ़ा दीजिए कि सर करवा देंगे, करवा लीजिए तो सर इसका सोल्यूशन एक ये होना चाहिए, 8 तारीख तक आप लोग चलिए, 2 दिन कितना 2 दिन समय है, ज्यादा दिन है नहीं, इतना दिन रुके हैं, 48 घंटा रुक सकते हैं, लेकिन सर एक पक्ष ये कर दीजिए कि 9 तारीख को अगर इनकेस कुछ भी होता है तो आप चलिए 1% आपको झुकना पड़ेगा यूनिवर्सिटी प्रशासन को, आप झुक जाइए उनके सामने, चलिए 24 तक बोल रहा है टेंडर, 24 तक हम कहेंगे, एक बार बताते हैं सर, रिजल्ट घोषित करवा, अगर मान लीजिए कि रिजल्ट पर मैं अपना तफरीजी रहेगा तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि अगर वो लोग नहीं माने तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, आप सर नहीं जाएंगे, क्या होगा सोल्यूशन देकर चले जाएंगे, नहीं समझे, इसलिए अगर मान लीजिए कि
छात्र का कल्याण नहीं होगा तो मैं छात्र हित के लिए ही बैठा हुआ हूँ। नहीं सर, तो आप ऊपर में बात, आप ऊपर में बात रहे, वही वही कर रहे हैं, ऊपर में रखेंगे। और अगर छात्र हित में नहीं कोई एक्शन लिया गया तो मैं तो खुद छात्र नेता नहीं सर, तो ये सलूशन नहीं मिला हम लोग को, ये कोई सलूशन नहीं, समझ में सलूशन नहीं है सर। सर हम सब छोड़ के जा रहे हैं, हमको छोड़ दीजिए, आप रिटायर्ड हो रहे हैं सर, रिटायर्ड हो रहे हैं, रिटायर्ड हो रहे हैं दो राज, ठीक है। हाँ सर हम समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, आप नहीं समझते हैं तो आप क्या कह रहे हैं, हम सब चीज समझ रहे हैं सर, लेकिन इसका सलूशन निकालिए सर, सर मेरा बताइए ना, नोटिस कहाँ आया सर, अभी तक हम लोग को नोटिस नहीं आया, वेबसाइट पर डाला गया हुआ है सर, हम जान रहे हैं बढ़ जाएगा, कंट्रोलर है भाई यही निकालते हैं सब कुछ, इनका बात सुनिए ना, बोल रहे हैं कि गेम का डेट बढ़ जाएगा या निकाल दिए तो निकाल दियो, नहीं तो डेट बोले हैं बढ़ेगा तो बढ़ेगा, कंट्रोलर सब कुछ हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अरे यही से निकलता है सारा चीज, यही डेट फिक्स करते हैं, जितना भी एग्जाम होता है सब कंट्रोलर का काम है सर। रिजल्ट का आश्वासन सर 8 से 9 तारीख रिजल्ट का बताइए ना, 9 तारीख को हम लोग समझे, 9 तारीख को समझे सर, वो तो बोल रहे हैं कि हम इस्तीफा देके चले जाएंगे, क्यों सर, नहीं सर इस्तीफा तो सर हम लोग हम निकलेगा, आप लोग निश्चिंत रहिए ना, हम लोग कांटेक्ट में है ना, बहुत स्टूडेंट है, आपके हम दे देंगे, 50-100 स्टूडेंट है आपके जैसा मेरे कांटेक्ट में, सबको जो यहाँ से मिलेगा सबको बता देंगे सर, कब से बोल रहे हैं हम तो बाहर से ही बोल रहे हैं ना, एग्जाम का डेट बढ़ा मैं प्रॉब्लम हो जाएगा, देखिए द न्यू डेट विल बी नोटिफाइड सून, ठीक है, किसका फॉर्म भरने का, अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इनफॉर्म टू एब्सटेन फ्रॉम ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म एंड फी फॉर द एबव एग्जामिनेशन, मना किया गया है आप लोग ऑनलाइन पर, अभी नहीं जाए, गलती हो रही है, द रिवाइज एग्जामिनेशन, देखो द रिवाइज एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑफ एवर मेंशनड एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड।